गाइस, आज हम बैकअप ट्रांसफ़र करेंगे जो आपका आईफोन है विदाउट माइग्रेशन, वो पूरा का पूरा आपके पीसी में कैसे ट्रांसफ़र हो सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ज़रूरत होगी आईट्यून्स की। आईट्यून्स सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर रही हूँ उसमें आप चेकआउट कर सकते हैं कि आईट्यून्स आपको कैसे डाउनलोड करना है विंडोज़ में, तो वो आप वहाँ पर चेकआउट कीजिएगा। तब तक के लिए मैं अभी iTunes में बताती हूँ आपको iTunes में बैकअप कैसे डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले हमें जाना है iTunes पे, आपका पूरा का पूरा फ़ोन कॉपी हो जाएगा, जैसे iPhone माइग्रेशन में होता है वैसे यही हो जाएगा। तो सबसे पहले जब आप अपने फ़ोन को प्लग इन करोगे, हमारा यहाँ फ़ोन प्लग इन करेंगे, हम इसको प्लग इन करने वाले हैं। गाइज, हमने बैकअप ले लिया था, अब हम चेक करेंगे कि हमारा बैकअप कहाँ शो करेगा। तो सबसे पहले आप जाएंगे एडिट में, एडिट में जाने के बाद में प्रेफरेंस में जाएंगे, उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप आएंगे डिवाइस में, तो डिवाइस ही ऑलरेडी शो कर रहा है डिवाइस बैकअप। यहाँ पे जिस जो भी आपने नाम सेव किया, जैसे मैंने हैरी किया था, तो यहाँ पे आपका शो करेगा बैकअप कि यहाँ पे हैरी का बैकअप है और इतनी तारीख को लिया हुआ है, वो सारा शो करेगा। उसके बाद में आप बैकअप चेक करने के बाद में आप यहाँ से वापस बाहर आ सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़, आपका जो भी बैकअप हो वो संभाल के रखना, जब तक आपका फ़ोन आप किसी और फ़ोन में नहीं देते बैकअप डाउनलोड करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए, या फिर जैसे सपोज़ आपके फ़ोन में कोई प्रॉब्लम हो गया, आपने सर्विस सेंटर में दिया हो वो फ़ोन, तो यहाँ पे आपका बैकअप का सीन बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये बैकअप सेव करके रखें, तो जब भी आप वापस बैकअप लेंगे तो सिर्फ आपको फ़ोन को कनेक्ट करने के बाद में, सेम होम पेज पे आने के बाद में आपको सिर्फ रिस्टोर करना रहेगा। आप रिस्टोर करेंगे, आपको पूरा का पूरा बैकअप वापस आ जाएगा। जैसे आपने यहाँ पे बैकअप किया था वहीं पे आपको रिस्टोर टैप करना है, आपने रिस्टोर टैप किया और आपका पूरा का पूरा बैकअप आपके नए फ़ोन में आ जाएगा। बट शर्त ये है कि आपका जो फ़ोन है वो पूरा इरेज होना चाहिए, नया वाला, तब आपका ये पूरा पूरा फ़ोन बस पूरा। आपका जो आईट्यून्स है वो लेटेस्ट अपडेट होना चाहिए, और ये डाउनलोड करें आप आपके गूगल स्टोर में से। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऐसे ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, तो मैं नए नए वीडियो लाती रहूँगी। थैंक यू।